जिथे देश भर करोना के केसा दे लगातार इजाफा हुंदा जा रहा उत्थे करोना नाल संबंधित जो अहम ते वड्डी खबर आ रही है करोना वैक्सीन नूं लैके केंद्र सरकार ने एक नवां फैसला दिता है हुण 45 साल तो उपर की उम्र वालिया नूं भी करोना की वैक्सीन लगेगी अहम ते वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हां करोना वैक्सीन नूं लैके केंद्र सरकार का एक होर ते नवां वड्डा फैसला हुण 45 साल तो उपर की उम्र वालिया नूं भी करोना की वैक्सीन लगेगी 1 अप्रैल तो वैक्सीनेशन नूं लैके नवे नियम लागू होणगे केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग दे विच अहम फैसला लिया गया अहम फैसला उदो लिया गया है जदों देश भर दे विच करोना की रफ्तार तेजी दिखा रही है उस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सब नूं अपील की है कि 45 साल तो वध उम्र वाले लोग वैक्सीनेशन दे लई जरूर जाण जिथे देश भर के करोना के वैक्सीन मामले करोना के मामले के इजाफा होंदा नजर आ रहा उत्थे करोना वैक्सीन लैके केंद्र सरकार ने अहम फैसला सुनाया है हुण 45 साल तो उपर की उम्र वालों नूं भी करोना की वैक्सीन लगेगी 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा उसके लिए उसे अब कोई दाखिला लाने की सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है 45 उम्र है उसको मिलेगा अहम ते वड्डी खबर तुहानूं दस रहे हां हुण 45 साल तो उपर की उम्र वाले नूं भी करोना की वैक्सीन लगेगी इसे खबर से साडे सहयोगी हरप्रीत बंदेशा बन चुके ने उन्हां दा रुख कर लैने हरप्रीत यह फैसला उदो लिया गया जदों देश भर दे विच करोना के वाधे मामले ने रफ्तार फड़ ली है तो इस दौरान प्रकाश जावड़ेकर का अहम बयान कि 45 साल तो वध उम्र वाला कोई भी बंदा वैक्सीन लगवा सकता है तो नाल ही यह भी गल कही गई है कि वैक्सीन वड्डी गिणती दे विच उपलब्ध भी है भारत भर के पिछले कुछ दिनों तो लगभग 30 से 40 जी जी हरप्रीत नाल एक बार फिर तो गल करन दी कोशिश करांगे पर तुहानूं इस दौरान दस दईए हुण 45 साल तो उपर दी उम्र वालियां नूं करोना दी वैक्सीन लगेगी जिथे देश भर दे विच रोजाना 30 से 40 हज़ार के करीब मामले नजर आ रहे ने तो उस हिसाब दौरान केंद्र दे वल्लों अहम फैसला लिया गया है कि हुण 1 अप्रैल तो वैक्सीनेशन नूं लैके नवे नियम जो ने लागू किए जाणगे केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग दे विच अहम फैसला लिया गया है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों नूं अपील करदे हुए किया है कि 45 साल तो वध उम्र वाले लोग भावें उह गंभीर बीमारी तो पीड़ित हैं या नहीं हैं करोना वैक्सीनेशन दे लई जरूर जाण यह भी गल प्रकाश जावड़ेकर दे वल्लों कही गई है कि वैक्सीन भरपूर मात्रा दे विच भारत भर दे विच है सो लोगों नूं अपील की गई है केंद्र दे वल्लों कि दोबारा तो जिवें कि करोना के मामलों की रफ्तार एक बार फिर तो फड़ ली है कोविड नियमों की पालना की जाए एक बार फिर तो साडे सहयोगी हरप्रीत बंदेशा बन चुके हैं हरप्रीत फिलहाल क्या गया कि वड्डी गिणती दे विच भरपूर मात्रा दे विच वैक्सीन भी उपलब्ध है नाल यह फैसला इस वक्त दसना सुनाना जदों जदों मामलों दे विच रफ्तार वधदी जा रही है कितना कितने सही भी ठहराया जा सकता है जी बिल्कुल जिस तरीके ना पिछले कुछ दिनों तो मामले बढ़ रहे हैं 30 से 40 हज़ार मामले सामने आ रहे हैं तो खास तौर पर कुछ सूबे चाहे महाराष्ट्र हो पंजाब हो सूबे हालात बेकाबू होंदे हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसे देखता हुआ केंद्र सरकार ने फैसला किया कि 1 अप्रैल तो वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाया जाए हुण 45 साल तो उम्र तो वध वाले जिहड़े शख्स ने उन्हां नूं वैक्सीन लग सकेगी यानी कि मन्निया जाए कि होली तो बाद जिहड़े देश दे विच वैक्सीन दा जिहड़ा अभियान है जो लगातार चल रहा है उहदे विच तेजी आएगी जे अजे तक देखिए अजे तक देश दे विच 4.85 करोड़ लोग जिहड़े ने उह वैक्सीन लग चुकी है लगभग 80 लाख के करीब लोगों नूं दूसरी डोज भी जिहड़ी है वह भी दे दी गई है तो लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाया जाए तो उसे दे चलदे ये फैसला लिया गया कल की जेकर गल करिए सिर्फ कल दे विच 32 लाख लोगों करोना की वैक्सीन की डोज जिहड़ी है वह दी गई है तो इसे दे चलदे मन्निया जा रहा है कि सरकार ने फैसला लिया कि 45 साल तो उम्र तो वध वाले लोगों हुण वैक्सीन दी जाए गौरतलब है कि इस तो पहले उन्होंने 45 साल तो उपर जिन्होंने गंभीर बीमारियां सन उन्होंने वैक्सीन लवाने वास्ते कहा गया इस तो अलावा जे सीनियर सिटीजन सन उन्होंने सरकार जिस तरीके कोविड के मामले बढ़ रहे हैं
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹੁਣ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੇਗੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜੋ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।